सब लोग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अंडा करी बनाने जा रही हूँ, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि मैं अंडा करी कैसे बनाती हूँ। मैं उसके लिए 6 अंडे को उबाल कर ले ली हूँ और उबालने के बाद हम चारों तरफ से इसे हल्का हल्का कट लगा देंगे ताकि हमारा जो मसाला का ग्रेवी हो आराम से इसके अंदर चला जाए और हमारा अंडा करी खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। सारे अंडा में हम ऐसे ही कट लगा देंगे चारों तरफ से। सारे अंडों में मैं चारों तरफ ऐसे ही कट लगा लूंगी। मसालों में हम 8-10 लहसुन की कली ली हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ और कुछ धनिया का पत्ता है और 8-10 हरी मिर्च है। मिर्च डालने की चॉइस अपनी है, मसाला भी डालने की चॉइस अपनी है, आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। 2 टमाटर का मैं प्यूरी बना ली हूँ और खड़े मसाला में हम तड़का लगाने के लिए 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 गोलकी और 2 लौंग और 1 हरी इलायची ले ली हूँ। पहले हम इन मसालों का पेस्ट बना लेते हैं। अब इसमें हम 1 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल देंगे, 1 चुटकी नमक डाल देंगे और 1 चुटकी हम लाल मिर्च डाल देंगे। अंडे को अब कोट कर लेंगे। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। हम एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। आप जो कुकिंग ऑयल खाते हो आप उसमें बना सकते हैं। तेल को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे धुआं निकलने तक। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इसमें हम अंडा डालकर फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ से उलट पुलट के अच्छी तरह पका लेंगे ब्राउन होने तक। सारे अंडा ब्राउन हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 2 लौंग और 3 गोलकी। सभी खड़े मसाला को अच्छी तरह हम चटकने देंगे। सभी खड़ा मसाला चटक गया है। अब इसमें हम 1 चुटकी हींग डाल देंगे और 1 हम बड़ा प्याज कट कर लिए हैं, इसको हम डाइस में डाल देंगे। प्याज को हम ब्राउन होने तक भुनेंगे। प्याज हमारा अच्छी तरह भुना गया है, इसका कलर ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम जो लहसुन आदि मिर्चा और धनिया पत्ता का जो पेस्ट बनाए थे वो इसमें हम अब डाल देंगे। अब इसमें हम खड़ा मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। सभी को मिक्स करके अच्छी तरह मिलाकर भून लेंगे 1 मिनट तक। अब इसमें हम 2 टमाटर का प्यूरी बनाकर रखे थे वो इसमें डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और सभी मसालों को तब तक भूनेंगे तब तक मसालों में से तेल सेपरेट ना होने लगे। मसालों से तेल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें 1 चम्मच हम कसूरी मेथी डाल देंगे। सारा मसाला अच्छी तरह भुना गया है, अब इसमें गुनगुना पानी डाल देंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और गरम मसाला हमेशा लास्ट में ही डालें ताकि खुशबू भी बना रहता है और स्वाद भी बना रहता है इसका गरम मसाला का। अब इस मसाला में उबाल आने देंगे तब हम अपना अंडा डालेंगे। हमारा मसाला में अच्छा उबाल आने लगा है, अब इसमें हम अंडा डाल देंगे और अंडा डालकर हम थोड़ी देर ढककर पका लेंगे ताकि सारा मसाला का ग्रेवी जो है हमारे अंडा के अंदर चले जाए और ये खाने में और भी स्वादिष्ट बन जाए। 7 मिनट तक हमने अच्छे से पका लिया है इसे और सारे अंडा में हमारा ग्रेवी आराम से चला गया है और हमारा देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम गैस बंद कर देंगे, हमारा अंडा कड़ी रेडी हो गया है। अब इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। अगर आप सबको मेरी अंडा करी बनाने की रेसिपी अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।